बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मोहम्मद नुमान कयूम, तुसी देखदे पए हो गंधारा इनको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां। भारत दी लोकसभा दी 542 नशिस्तां वास्ते 7 मरहलियां च होने वाले इंतखाबात च वोटां दी गिनती मुकम्मल हो गई है, जिस दे मुताबिक नरेंद्र मोदी दी जमात भारतीय जनता पार्टी ते इस दी इतिहादी जमातां ने वाजिया बढ़तरी हासिल कर लीती है। भारतीय मीडिया दे मुताबिक लोकसभा दी 543 चो 542 नशिस्तां ते होने वाले इंतखाबात दी वोटिंग मुकम्मल कर लीती गई है, जिस इनफरादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 300, कांग्रेस ने 52, ADMK ने 23, शिवसेना ने 18 ते दीगर निकी वड्डी जमातां ने 102 नशिस्तां हासिल कीतियां। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 11 जून नूं पेश किया जा सी, जिस वास्ते मशीर खजाना ने तमाम मुतालिका इदारियां नूं बजट का अमल वक्त ते मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत च वफाकी बजट की तैयारियों का जायजा लेने वास्ते इजलास होया, जिस बजट फ्रेमवर्क का जायजा लिता गया। कौमी इकतसादी सर्वे 10 जून नूं पेश किया जा सी, जबकि आइंदा बजट 11 जून नूं पेश किया जा सी। गंधारा इनको बोर्ड की ऑफिशियल वैबसाइट नूं दिन ब दिन मजीद अपडेट किया जाना पिया है। गंधारा इनको अकैडमी के तहत छपने वाली किताबों की तफसीलात नूं भी निहायत खूबसूरत अंदाज वैबसाइट पर अपडेट किया जाता पिया है, तो इस दे इलावा अकैडमी की सरगर्मियों की रिपोर्टिंग के नाल नाल तस्वीर ते वीडियोज भी अपलोड की जाती पई हैं। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने वाजिया किया है कि वहाब रियाज से मुहम्मद आमिर की शमूलियत नाल टीम में तजुर्बे की कमी खत्म हो गई है, तो इस वजह से हूँ वर्ल्ड कप पिच खराब कारकर्दगी का कोई बहाना बाकी नहीं बचा। शाहिद अफरीदी ने किया वे कि इस बार साढ़े बैट्समैन अच्छी फॉर्म में हैं, तजुर्बे की कमी की वजह नाल मेगा इवेंट इस पहले साड़ी बॉलिंग में मुश्किल का सामना रहा, बड़े हूँ वहाब रियाज, शादाब खान ते मुहम्मद आमिर टीम में वापिस आ गए हूँ, इस वजह से खराब कारकर्दगी का कोई भी बहाना बाकी नहीं रहा। किया है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिस कर रहे थे, जो मैंने पहले बात की थी। वहाब रियाज आ गए, शादाब हो गए उसके अंदर, फिर मोहम्मद आमिर वापस आ गए, तो ओवरऑल वेल बैलेंस्ड टीम है हमारी। अब हमारे पास कोई और एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि वो नहीं था या ये नहीं था, इस वक्त हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त बैलेंस बनी हुई है, और मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनसे और ज़्यादा बढ़ गई है कि वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। आर्ट्स कौंसल विच नवा उर्दू मजाहिया ड्रामा वाह वाह उमर शरीफ के हवाले नाल अफतार डिनर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। उमर शरीफ का ड्रामा वाह वाह उमर शरीफ ईद के दूसरे दिन आर्ट्स कौंसल विच थिएटर की डिनर बन सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस विच ड्रामा डायरेक्टर सैयद फुरकान हैदर, कॉमेडियन उमर शरीफ, आर्ट्स कौंसल के सदर मुहम्मद अहमद शाह ते फनकारा ने शिरकत की। उन्होंने किया कि उमर शरीफ के ड्रामे ते आर्ट्स कौंसल की 438 नशिस्तां नाल हाल फुल हो सी। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई, नवी खबरां नाल बात हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज। आओ मिलके हिंको दी दुनिया दी सैर करिए। असी हिंको जबान दी तहकीक ते तरक्की ते काम करने हैं, तुसी साडे नाल मिलके हिंको दी तरवीज च हाथ मंडाओ। गंधारा हिंको दी वैबसाइट ते आप भी विजिट करो ते अपने दोस्तों यारां नूं भी विजिट करवाओ। स्क्रीन ते दिते गए लिंक दे जरिए वैबसाइट नूं विजिट करो।